हेलो व्हाट्सएप गाइस, दिस इज द सुबह यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सर राइस ऑफिस, कैसे हो? होप करता हूं मेरा अच्छा ही होंगे। अभी टाइम हुआ है करीब 8:30 बजे, चाय पी रहा हूं। अब जाऊंगा दार्जिलिंग के साइड, दो तीन टूरिस्ट प्लेस है, दो तीन नहीं ज़्यादा है, 7 है आई थिंक। मैं जब आया था 3-4 साल पहले, तब तो 3-4 से ज़्यादा था। तो जाऊँगा, दो तीन देखूँगा, फिर यहाँ पर वापस आऊँगा। तो अभी तो चाय पीते हैं, चाय पी के अब से मिलते हैं। मेरा न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू। इसी होमस्टे पे हम लोग रुके थे, होमस्टे का डिटेल्स वीडियो में डाल दूंगा आज ही। सब्सक्राइब करो, मेरे को भी कर दे। आ गया है। तो रेडी हो चुका हो, अब जा रहा हो दार्जिलिंग की तरफ। मैं ऑलरेडी हेलमेट में कैमरा लगा दिया, यहाँ पर तो हेलमेट मैंडेटरी है, हेलमेट लगेगा ही लगेगा। तो चलो निकलते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया हूँ, अब जा रहा हूँ दार्जिलिंग की तरफ। यहाँ से लगभग टाइम लगेंगे 1 घंटे, मुझे जितना लगता है 1 घंटा लगेगा, एंड वहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे रूम पे, लंच करके निकल जाएंगे बाद आइलैंड ऑफ कार्शियंग, जहाँ पर लिखा है कार्शियंग से 1 किलोमीटर के अंदर में ही है आइलैंड ऑफ कार्शियंग। में देख के आ रहा था, जब आ रहा था तब देखा था, बट इतना बारिश स्टार्ट हो गया था, मैं तो एक्शन कैमरा उतर दिया था। इतना बारिश स्टार्ट हो गया तो मैंने नहीं खींचा फोटो, मुझे अच्छा ही अच्छा लगा जो रूम का चला जाना अच्छा है। तो जाते हैं एंड यहाँ पर आके लंच करूँगा, क्योंकि होम स्टे है तो खाना इंक्लूड है, अगर टाइम में पहुँच जाए तो, नहीं तो रास्ते में खा लेंगे। तो चलो जाते हैं, निकलते हैं। बाइक ऑलरेडी मैंने बाइक बाहर लगा दिया है, एक्शन कैमरा भी रेडी कर लिया है, सिर्फ बाहर निकलना बाकी है। तो चलो, एंड मैं कैरी कर रहा हूँ मेरे साथ कुछ भी नहीं, सिर्फ कैमरे का माउंट है, एक DSLR है और कुछ भी नहीं, मोबाइल कैमरा भी इनफ है। DSLR मुझे इतना लगता है DSLR नहीं ले जाना ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जब अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाता है तो रिस्क हो जाएगा। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, नवंबर मेन टूर है मेरा, तो इसके पहले कोई मैं नुकसान नहीं चाहता मेरा। तो ले जा रहा हूँ DSLR बहुत रिस्क में, रेन कवर ले लिया है, मेरा नहीं बैक का DSLR का। तो चलो जाते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अभी टाइम हो गया है, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। अभी टाइम हुआ है 10:45, अभी टाइम हो गया है, तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो निकल गया हो, बाइक निकलते हैं। बाइक यहाँ पर अंदर लगा है, बहुत ही सेफ पार्किंग में है, तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। पार्किंग आप लोग यहाँ पर अगर आते हो तो पार्किंग का पूरा बंदोबस्त है, 4-व्हीलर का एंड 2-व्हीलर का, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो यही प्रॉब्लम रहता है पार्किंग का, बट यहाँ पर नहीं। तो चलो निकलते हैं, लगा है इस पूरा पार्किंग है, ये कुछ अंदर का नज़ारा है। आपको डिटेल्स में कार्ड दे दूंगा, कार्ड भी ले लिया है आंटी से। ये कुछ बाहर का नज़ारा है, बाकी तो आप से बाइक निकल के बात करते हैं। ये पूरा से यहाँ पर मेरा बाइक लगा है, तो कोई प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है, पूरा सेफ है। व्यू देखो भाई, अभी तो निकल रहा था, ऐसे व्यू देख के कौन नहीं रुकेगा भाई। तो देख पा रहे हो आगे लग गया है तगड़ा वाला जाम। यहाँ से घूम मुनिस्ट्री का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो देखते हैं कहाँ तक जाम लगा है। अगर 5 किलोमीटर तक जाम लगा है तो गया मैं आज। तो आपसे मिलते हैं सीधे मुनिस्ट्री पे, जाम दिखा के क्या फायदा है, तो कैमरा खोलते हैं एंड आपसे मिलते हैं सीधे मुनिस्ट्री।
बाइक लगा दिया है पार्किंग पे, अब चढ़ाओ मोनेस्ट्री की तरफ। मोनेस्ट्री का नाम है घूम, लोकेशन भी घूमी है, तो देखो आगे। निकल रहे हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ होगा वो तो देखना पड़ेगा। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, आज थोड़ा टूरिस्ट कम ही है। हम लोग आ चुके हैं गोरखा वार मेमोरियल बतासिया, एक लोकेशन है बतासिया, तो आगे जाते हैं। यहाँ पर टिकट भी है 30 रुपीज के पर पर्सन। यही है गोरखा मेमोरियल, आई थिंक गोरखा रेजिमेंट का कोई जवान जितने भी शहीद हुआ है देश के लिए हमारे, उसके लिए श्रद्धांजलि के लिए इस मेमोरियल का। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है एंड आज ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट है। ऐसे टाइम पे तो हो ही जाता है क्योंकि 2 दिन पहले ही दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, तो इस टाइम तो छुट्टी रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सो गई। आई लव दार्जिलिंग। ओफो निकल रहे हैं यहाँ से गोरखा वार मेमोरियल, नेक्स्ट स्टेशन कहाँ जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा। लोकेशन मोबाइल पे सेट है, मोबाइल तो बाइक जहाँ पर पार्किंग में लगा दिया वहाँ पर रख दिया है, तो जाते हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, आपसे मिलते हैं नया जगह। तो गाइस निकल गया हो गोरखा वार मेमोरियल से बाहर आकर, तो थोड़ा मोमो भी खाया है। अब जा रहा हो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा मेरा डाली मोनेस्ट्री, यहाँ से दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर है, तो चलो जाते हैं आगे, आपसे मिलते हैं मोनेस्ट्री पर सीधे।
लग रहा है यहाँ पर आके। यहाँ पर कुछ देर बैठूंगा, उसके बाद यहाँ से रॉक गार्डन के लिए जाऊँगा। यहाँ से रॉक गार्डन का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो दार्जिलिंग प्रॉपर दार्जिलिंग एंटर हो गया है, दार्जिलिंग के साइड सीन में आता है। यहाँ से रॉक गार्डन का डिस्टेंस कितना देखा था भूल गया, 5-6 किलोमीटर के अंदर है। मतलब जितने भी यहाँ से टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब दार्जिलिंग का टूरिस्ट स्पॉट है, सब नज़दीक 5-6 किलोमीटर या 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही है। तो आप लोग यहाँ पर जब आओगे तो ज़्यादा घूमने का तो पड़ेगा नहीं। आप लोग बाइक से आते हो तो अपने आप गूगल मैप लगा के चल जाना, इस मोनेस्ट्री पे ज़रूर आना, बहुत ही अंदर से सुकून मिलेगा, ये तो मेरा गारंटी है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए टेम्पल का, टेम्पल तो टेम्पल ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का 2-3 सिनेमेटिक शॉट। गाइस मोनेस्ट्री से निकल गए हैं, यहाँ से 2.3 किलोमीटर दिखा रहा है ऑरेंज वैली का। टाइम तो थोड़ा लग ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी खराब पैच आना शुरू हो गया है। मुझे जितना पता है रॉक गार्डन जाने वाला रोड बहुत ही खराई है एंड ऑफ रोडिंग तो भर भर के है, तो मज़ा आएगा दोस्तों। तो चलो जाते हैं, धीरे से जाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे। एंड अभी टाइम हो गया है 3 बजे, बहुत भूख भी लगी है, तो नेक्स्ट ऑरेंज वैली देख के आ जाएंगे वापस। रॉक गार्डन तो नहीं जाएंगे क्योंकि रॉक गार्डन तो मैं पहली बार जब आया था तब भी देखा था। आप लोग वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा पुराना वाला वीडियो का। तब का वीडियो का ज़्यादा कुछ आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट अभी तो रॉक गार्डन नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ही भूख लगी है। सिर्फ ऑरेंज वैली देख के वापस चले जाएंगे होम स्टे। उसका और एक नाम भी है, उसके पास में ही ऑरेंज वैली है एंड उसके बाएं तरफ मुझे जितना पता है टी गार्डन भी है। तो चलो जाते हैं। एक्चुअली स्पिनिट 48 मिनट, तो अभी होम स्टे में एंटर किया है। लंच तो नहीं बोलूँगा इसको, डिनर भी नहीं कर सकते हैं बीच में बीच का तो वही कर रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं खाने के बाद क्योंकि बहुत ही भूख लगी है एंड सुबह जल्दी भी वाला है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। इस वीडियो भी ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया से वीडियो में, एंड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होम स्टे का पूरा डिटेल्स, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वो देख लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Pongo a bailar reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se lo sigo.